सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर व्यक्ति चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, अगर ध्यान नहीं होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। मंजिल को पाने के लिए पैरों के साथ नहीं हौसलों के साथ चलना पड़ता है। एक शक्तिशाली सोच और आत्म केंद्रित होकर आप वो सभी पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। परेशानी में जो सीख और अनुभव मिलता है वह दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। आज का पंचांग 21 सितम्बर 2023 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 2:14 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र दोपहर 3:35 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:42 से 3:13 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 21 सितम्बर 2023 दिन गुरुवार, आप पिछले कुछ समय से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं लेकिन आज आप पर सबका ध्यान आएगा। लाइमलाइट आप पर रहेगी और आप आसानी से इस अवसर का लाभ उठाकर खुद को साबित कर पाएंगी। ये किसी नए दोस्त से मिलने, पुराने के सामने आने या कार्यस्थल की किसी स्थिति से संबंधित भी हो सकता है। कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर अपने वसूलों और सिद्धांतों से किसी भी तरह का समझौता ना करें। इससे आपका मनोबल और अधिक दृढ़ होगा। आज किसी अपरिचित व्यक्ति से मुलाकात खुशनुमा रहेगी। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट में उचित सफलता मिल सकती है, इसीलिए पूरी मेहनत से अपने कार्य पर प्रयासरत रहें। नए मित्रों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। अपने डर को दूर करके सकारात्मक बातों पर ध्यान दें, दूसरों के सुझावों पर ध्यान दें, लेकिन अपनी अपेक्षाओं पर भी ध्यान देना होगा। योजना में बदलाव आएगा। काम संबंधी डिसिप्लिन बढ़ाना होगा। नए पार्टनर की ओर अपनी भावनाएं समझनी होगी। सर्दी की तकलीफ ठीक होने में वक्त लगेगा। सावधानियां, अपने फाइलें डॉक्यूमेंट्स आदि बहुत ही संभाल कर रखें वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। घर में भी छोटी सी बात पर अकारण ही तनाव उत्पन्न हो सकता है। ज्यादा क्रोध करने से बचें, कुछ समय एकांत और आत्ममनन में भी जरूर व्यतीत करें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। परिवार तथा मित्रों के साथ कुछ समय व्यतीत करने का आपका निर्णय उचित रहेगा। मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम भी बनेंगे। बाहर जाएं और अपने प्रिय के साथ कुछ साहसिक करने की योजना बनाएं। आप जो कुछ भी करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। इससे आप और आपके पार्टनर के बीच चल रहे तनाव में कुछ कमी भी आने की उम्मीदें हैं। आपको अपने नए अनुभव और भावनाओं को अपने पार्टनर के साथ बांटना अच्छा लगेगा। बात करते हैं करियर की। हालांकि आप सावधान और व्यवस्थित हैं पर किसी दूसरे के कार्यभार के लिए आप जवाबदेह रहेंगे। अपने और अपने काम के तरीकों पर विश्वास रखें। एक बार में एक काम को सुव्यवस्थित तरीके से करें और अगले दिन तक आप चीजों को आकार में वापस पाएंगे। उस समय तक अपने सहकर्मियों के साथ किसी बहस में ना उलझें। कारोबार में चुनौतियां रहेगी लेकिन चिंता ना करें। आपकी कार्य क्षमता व काबिलियत की वजह से कामयाबी आपके द्वार खटखटाएगी, लेकिन प्रत्येक कार्य को गंभीरता से लें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी अपनी बेहतर कार्य प्रणाली के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। नियमित व्यायाम योग आदि करते रहें। आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में है। आज किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो सफलता और सम्मान दोनों ही मिलने तय है। आज सारा तनाव धुल जाएगा। आपका मन और शरीर दोनों को ही इस अवसर का लाभ उठाकर या तो जिम में दो घंटे इस अवसर का लाभ उठाकर आप या तो जिम में दो घंटे पसीना बहाएं या एक अच्छी सी दौड़ लगाएं ताकि आपको तरोताजा महसूस हो। आज का उपाय,
आज आप सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।